इस तरीके के जो डोरवे पुलअप बार्स होते हैं, क्या ये सच में सेफ होते हैं? और अगर सेफ होते भी है तो इन पे आप मैक्सिमम कितना वेट लोड कैपेसिटी कर सकते हैं ताकि ये गिर के टूट ना जाए भाई, आज के इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। एंड पहला फैक्टर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इन डोरवे पुलअप बार का जो वेट हैंडलिंग कैपेसिटी है वो कितना है भाई। तो इस डोरवे पुलअप बार के ऊपर मैंने एक्चुअली एक 120 केजी का वेट कैपेसिटी टेस्ट किया हुआ है एंड दिस पुलअप बार सक्सेसफुली पास। आई वॉज ऑल्सो शॉक कि एक डोर पुलअप बार 120 केजी तक ले रहा है। फिर क्या इसका मतलब है कि इस 120 केजी तक लोड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई, लेट मी एक्सप्लेन भाई। ये पुलअप बार एक बार 120 केजी ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुलअप बार 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 120 केजी ले पाएगा। एज यू कैन सी राइट नाउ आई एम अराउंड 75 केजी, मैं इससे हैंग कर रहा हूँ एंड ये मेरा वेट आई वुड से काफी इजिली ले रहे। आई वुड से अगर आपका वेट अराउंड 80 केजी या फिर उससे कम है, प्रेफरेबली अगर आपका वेट 60-65 केजी 70 केजी के अराउंड है, देन आई थिंक दिस डोर पुलअप बार इज एब्सोल्युटली सेफ। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अराउंड 2 years। मैं अभी तो यूज नहीं कर रहा बिकॉज आई हैव बेटर पुल अप बार्स इन माय होम जिम, बट फॉर माय फर्स्ट 2 years ऑफ कैलिस्थेनिक जर्नी मैं इस पुल अप बार से ही शुरू किया था एंड तब मैं अराउंड आई गेस 55-60 केजीज का था। तो उस वेट के साथ ऑनेस्टली आई वुड से मुझे इस डोर पुल अप बार के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। एंड आई वुड से अगर आपका वेट 75-80 केजी से कम है, अगर आप ठीक से हैंग कर रहे हैं इस डोर पुल अप बार से, जो एक बहुत बड़ा चीज़ है, देन आपको इस डोर पुल अप बार के साथ आई डोंट थिंक प्रॉब्लम आने वाला है। 80 केजी से ऊपर है यू कैन ट्राई इट बट आई एम नॉट गारंटिंग, आई थिंक 80 केजी से नीचे ये सेफ है। एक बार 120 केजी ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार 120 केजी ले पाएगा भाई, स्पेशली ओवर द लॉन्ग टर्म। सो व्हाट डू आई बेसिकली मीन कि इस डोर पुल अप बार से आपको गलत तरीके से नहीं झूलना, इसका मतलब है कि इस डोर पुल अप बार को आप ऐसे जंप करके ऐसे होल्ड बिल्कुल भी ना करें भाई, देन ये इजिली टूट जाएगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना गाइस। एक और चीज जो आपको नहीं करना, किसी भी एक साइड पर ज्यादा नहीं झूलना, मतलब इस साइड पर ज्यादा नहीं झूलना या फिर इस साइड पर ज्यादा नहीं झूलना, आपको हमेशा ऐसे बीच में से झूलना है। देन ऐसे इसको पकड़ो और स्लोली ऐसे नीचे जाओ, कोई भी जड़ की मूवमेंट्स या फिर ऐसा कुछ नहीं करो। इस डोर पुल अप बार के साथ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, स्लो एंड कंट्रोल ऐसे नीचे जाओगे, देन दिस इज द राइट वे टू हैंग फ्रॉम दिस डोर पुल अप बार भाई। एंड इस पुल अप बार पे आप कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुल अप कर सकते हैं उस पर भी सेम चीज आता है, ठीक है। इस पुल अप बार पे अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे आप झूल के ऐसे क्लैपिंग पुल अप करेंगे, देन आप बिल्कुल भी मत करिए गाइस। इस पे आप क्लैपिंग पुल अप बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सप्लोसिव पुल अप, लेट्स से ऐसे पुल अप कर रहे हो फिर हाथ को ऐसे छोड़ के फिर से ऐसे पकड़ के पुल अप कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सप्लोसिव पुल अप आपको इस डोरवे पुल अप बार पे नहीं करना है। ओनली टाइप ऑफ पुल अप दैट यू कैन डू ऑन दिस थिंग इज पुल अप्स लाइक दिस, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ऐसा आप इसको पकड़े, ऐसा आप इसको पकड़े, ऐसे नीचे गए, ऐसे धीरे से ऊपर आए, ऐसे धीरे से नीचे गए भाई। दिस इज द ओनली काइंड ऑफ पुल अप दैट यू कैन डू ऑन दिस डोर पुल अप बार। आप ऐसा भी पुल अप नहीं कर सकते कि आप ऐसे पुल अप किए फिर झटक से ऐसे नीचे जा रहे हैं, नहीं गाइस। हमेशा जो पुल अप कर रहे हैं उस पर आपको ऐसे हमेशा ऐसे स्लो एंड कंट्रोल रहना चाहिए। अगर स्लो एंड कंट्रोल नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, ट्रस्ट मी ये डोर पुल अप बार एक ना एक दिन आपका जरूर गिर जाएगा भाई। यू हैव टू कंट्रोल एवरी सिंगल रेप एंड झटक से फटक से इस डोर पुल अप बार पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब बात आती है कि इस पुल अप बार को आपको कौन से सरफेस पे लगाना चाहिए, ठीक है। तो इस पुल अप बार को लगाने के लिए आई विल रिकमेंड ओनली 2 surfaces। नंबर 1 इज अ सीमेंट वॉल, एक और जो सरफेस है इज वुडन सरफेस लाइक दिस। यहाँ पे मेरा जगह नहीं था इसलिए मैंने वॉल पे फिक्स किया, बट अगर आपका ऐसा एक डोर फ्रेम है जो वुड का बना हुआ है, देन यहाँ पे भी इस पुल अप बार को आप आराम से लगा सकते हैं। वॉल या फिर वुडन डोर फ्रेम, यही 2 surfaces आप लगा सकते हैं। कोई भी और सरफेस के बारे में सोचना भी मत। अगर आप इन दोनों सरफेस पे अच्छे से टाइट से लगा रहे हैं, देन ये पुल अप बार ट्रस्ट मी आपका गिरेगा नहीं। आई वुड से हर वीक एक बार इसको रीटाइटन कर दो तो ये आपके गिरने के चांसेस नहीं रहेंगे भाई। तो बेसिकली फिर ये पुल अप बार है किन के लिए, ठीक है। मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि दिस पुल अप बार इज फॉर बिगिनर्स, ठीक है। अगर आपको पुल अप सीखना है या फिर आप पहले 1-2 pull-up, 3 pull-up कर सकते हैं, आपको पुल अप में अच्छा बढ़ना है, अराउंड 10-15 pull-up तक जाना है, देन आई थिंक दिस पुल अप बार कैन डेफिनेटली हेल्प यू। स्पेशली इफ अगर आप आपके घर में, मेरे जो यहाँ पे एक वॉल माउंटेड पुल अप बार है, ऐसा नहीं लगा सकते, अगर आप घर में ड्रिल नहीं कर सकते, देन आई थिंक इस पे आप पुल अप सीख सकते। वॉल माउंटेड पुल अप बार इज ऑलवेज ऑलवेज बेटर देन अ डोर पुल अप बार। वहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डोर वे वन, बट अगर आप ड्रिल नहीं कर सकते आप क्या करें, आप पुल अप भी ना करें क्या? नहीं, उसके लिए यू कैन यूज दिस, बट मेक श्योर मैंने जो भी रिकमेंडेशंस किए इस वीडियो पे उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, देन ट्रस्ट में ये पुल अप बार आपका गिरेगा नहीं। मैं इसको आई गेस अराउंड अभी 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, देखो
एज यू कैन सी इट्स रॉक सॉलिड यू नो, एंड ये मेरा 2 साल से अभी भी एक बार भी गिरा नहीं है बिकॉज आई हैव ऑलवेज फॉलोड दिस सेफ्टी प्रिकॉशंस। एंड अगर ये पुल अप बार खरीदना है तो चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ये आई गेस गो कार्ट नाम के कंपनी का ब्रांड का है। अगर आपको ये पुल अप बार खरीदना है या फिर वॉल माउंट पुल अप बार खरीदना है, आई विल लिंक बोथ ऑफ देम डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगेन अगर आप मेरे लिंक से खरीदते हैं दैट विल बी द बेस्ट वे टू सपोर्ट दिस चैनल, ताकि मैं ऐसे ही और होम जिम इक्विपमेंट्स आप लोगों के लिए खरीद के रिव्यू कर पाऊँ। अभी अगर आपको एक वीडियो देखने की इस पुल अप बार को लगाते कैसे है एक दीवार पे, देन जाके इस वीडियो को यहाँ पे देखो। चलो भाई भाई।